आपसे ही शुरुआत कर लें। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त तक तो डिसॉल्व कर देनी चाहिए ना खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, अब तक चीफ मिनिस्टर को जाके टाइप करा के भिजवा देनी चाहिए थी गवर्नर को एडवाइस, मसला खत्म हो जाता, मामला शुरू हो जाता, पता भी लग जाता कौन क्या कह रहा है, कौन कब तक यू टर्न लेना चाहता है और कौन ऐसी बातें करके इस मुल्क के अंदर इक्तसादी तबाही की वजह बनना चाहता है, कौन चाहता है कि इस मुल्क के अंदर इतनी गैर यकीनी सूरत हाल कुछ और अच्छे के लिए चलते रहे कि सरमायाकारी से लोग भाग जाएं और जो थोड़ी बहुत चल रही है ये भी बंद हो जाए। ये क्या बात हुई, कभी कहा गया चार गोलियां लगी एक आदमी पे उसी किस्मत ही बच गया, फिर कहा गया कि मेरे पे वही हमले का तरीका था जो अपना लियाकत अली खान का था कि लियाकत अली खान के कातिल को मौके पे मार दिया गया, मेरे को कत्ल करने वाले को भी मौके पे मारने की कोशिश की गई, मरा वो नहीं कोई और मर गया, भाई गोली तो ऊपर से चली। अभी तो जीआईटी जो आप लोगों ने बनाई उसी जीआईटी की रिपोर्ट को देख लो, बात सीधी साधी है कि आज जिस तरीके से ये हुआ मुझे दुख होता है कि हम लोग क्यों ऐसी हरकतें करके पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर हो गया है, किसी ने गुर्बत के खात्मे की इन्होंने को प्रोग्राम दिया, महंगाई के खात्मे का प्रोग्राम दिया, दालों की कीमत कम करने का प्रोग्राम दिया, तेल की कीमतें कम करने का इन्होंने को मुतबादल प्रोग्राम दिया, इन्होंने चैलेंज किया मौजूदा हुकूमत को कि हम दालें